एग्ज़ाम चल रहा है, जो एग्ज़ाम 10 मिनट में ओवर होने वाला है, उसको हम कवर करेंगे एज एन स्टूडेंट रिव्यू। पर आप देख सकते हैं कि जामिया में कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो हमारे साथ बने रहिए आगे की इन स्टूडेंट रिव्यू देखने के। आज आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, इतनी गर्मी है तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्चुअली रूम में फैंस तो थे बट स्टिल थोड़ा वार्म था। बाकी पेपर इजी था, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे, साइंस और मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, लिमिटेड थे एंड बहुत बेसिक थे, मतलब काफ़ी इजी पेपर था। तो आपने कोई क्वेश्चंस छोड़े या आपने सारे करे? मैंने कोई ब्लाइंड गेस नहीं करा है एंड मुझे नहीं लगता शायद मेरा कोई क्वेश्चन छूटा है बिकॉज मैंने लास्ट टाइम रिव्यू नहीं दिया किया है पेपर का। बट पेपर काफ़ी इजी आया था तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन छूटा है। एंड जो क्वेश्चंस थे उसमें आप गेस इजीली कर सकते थे, आप एलिमिनेशन से इजीली पता लगा सकते थे कि कौन सा आंसर है। तो आज आपका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर था तो वो कैसा गया? नहीं, टफ आया था, बहुत टफ आया था। रीजनिंग में तो अच्छी थी काफ़ी, लेकिन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन जो होते हैं वो भी रिवाइज नहीं हुए थे, ऐसा कोई खास नहीं गया ऐसा। तो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा टफ था या प्रीवियस ईयर से ईजी था? नहीं, स्कीम से ज़्यादा पूछी गई थी, स्कीम बहुत ज़्यादा थी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो वापस रिव्यू हुआ हो। अच्छा, आपने इसकी तैयारी कहाँ से की थी? मैंने सेल्फ से की है। आपने सेल्फ से की थी, आप मुझे बता सकती हैं कि कौन सा पार्ट ज़्यादा पूछा गया था, इंग्लिश, जीएस या करंट अफेयर? जीएस ही ज़्यादा पूछा गया था, करंट अफेयर भी बहुत। अंसारी, आज आपका किस कोर्स का पेपर था? बीए ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स। आप बता सकते हैं इसमें क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? जो रीजनिंग क्वेश्चन थे वो तो काफ़ी अच्छे थे, जैसे अल्फाबेट सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छे थे, बट जो करंट अफेयर आए थे ना बहुत ज़्यादा टफ थे, और कुछ कुछ करंट अफेयर बहुत अच्छे थे, मतलब काफ़ी ठीक थे, पर कुछ कुछ हाई लेवल के थे। तो जैसे बहुत टाइप अभी क्या फीफा का चल रहा था, वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उस टाइप में क्वेश्चन आए नहीं थे, बाकी आए थे पर इतने नहीं आए थे, तो बाकी ऑल ओवर ठीक ही था। अच्छा, इसमें इंग्लिश और मैथ्स साइंस भी थोड़ी बहुत पूछी जाती है, तो वो कैसे थे क्वेश्चन? नहीं, साइंस का तो क्वेश्चन नहीं थे, मतलब एक दो ही होंगे, बाकी मैथ्स के थे क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग होते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन में तो अल्फाबेट वो नंबर वन सीरीज होते हैं, तो उसमें ठीक था, और बाकी और जो बाकी ऑल तो ठीक ही था बाकी। आपने इसकी तैयारी किसी पर्टिकुलर जगह से की हो या किसी पर्टिकुलर बुक से? नहीं नहीं, बुक तो वगैरह नहीं, बट यूट्यूब से देखा था करंट अफेयर वगैरह, और जनरल नॉलेज पढ़ लिया था घर पर, और रीजनिंग भी करी थी घर पर ही, मतलब यूट्यूब से चेक करके, मतलब उसमें से देखा अल्फाबेट, जिसके अल्फाबेट है ना वो ज़्यादा कर लो, वो दो क्वेश्चन आए जाते हैं, वो काफ़ी इजी आते हैं अल्फाबेट वाले। आप पूरा अटेम्प्ट किया या फिर आपने रिस्क लेके? नहीं, जो मुझे आता था सिर्फ वो अटेम्प्ट किया, बाकी जो नहीं आता था वो छोड़ दिया। ओके, आई होप। इना हसन, आज आपका किस कोर्स का पेपर था? बीए पॉलिटिकल साइंस। कैसा गया पेपर? टफ था पेपर, और मतलब जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन था उससे रिलेटेड तो आया ही नहीं था, बहुत कम, और योजना के बारे में ज़्यादा पूछा गया था जो हम लोग पढ़े ही नहीं थे। गवर्नमेंट स्कीम्स यानी? हाँ, ये सब ज़्यादा ही, वो भी 2019-18 ये सब, करंट अफेयर्स नहीं था उसमें। करंट अफेयर्स इस बार कम पूछा गया? हाँ, कम पूछा गया। तो आप ये बता सकते हैं कि जो पर्टिकुलरली मेन फोकस किस पे था, सिर्फ योजनाओं पे था या फिर किसी सब्जेक्ट, इंग्लिश या मैथ्स? और ऐसा तो था ही नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल से पूछा गया, बहुत सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसा सब कुछ कुछ भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आया, और था ओवरऑल पेपर टफ था मुझे तो टफ। आपने इसकी तैयारी कहाँ से की? हम लोग तो अपने ही खुद ही से करी, क्योंकि हम लोग का वहाँ में ऐसा कुछ सोर्स है नहीं इतना तैयारी करने का, तो खुद ही करना पड़ा यूट्यूब का थ्रू। तो क्या लगता है आपको, क्या जो आपने किया अटेम्प्ट, जितना नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कितना आ जाएगा आपका? पता नहीं, करी तो है सब, नेगेटिव मार्किंग का भी देखना पड़ेगा। आपने रिस्क किया था? आज आपका किस कोर्स का पेपर था? बी ऑनर्स का, पॉलिटिकल साइंस। बी ए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का पेपर, इतनी शदीद गर्मी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, जैसा तैयारी किया वैसा गया था। पेपर इजी था, मॉडरेट थे, हार्ड? मॉडरेट था। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे थे? नहीं, मैंने बुक ली थी तैयारी के लिए, वही गर्ल, मतलब कौन सी बुक ली थी, किस सेक्शन से ज़्यादा थे? जीके, जीएस? ज़्यादातर जीके की थी, और बाकी जो इंग्लिश की थी। इंग्लिश के थे, और करंट अफेयर्स से किस तरह के क्वेश्चन आए थे? ज़्यादातर यूनियन एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। आज आपका किस कोर्स का पेपर था? जी, मैं आज बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ। बीए पॉलिटिकल साइंस का पेपर ऑलमोस्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट कहते हैं लोग, कुछ चीज़ें भी बोल रहे हैं, आपके हिसाब से कैसा गया?
जी मैम, मेरे हिसाब से तो मुझे ठीक लगा, मैंने टोटल 85% अटेम्प्ट किया मैम, मुझे लग रहा है कि चांस है कि हो जाएगा। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग थी? जी मैम, नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं कि कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? जैसे जीके से जनरल नॉलेज। अच्छा, इसका कुछ आपने कोई तैयारी कहीं से की हो या करते हैं, तो उससे आपके क्या लगता है कि कितना रिलेटेबल पेपर आता है? उससे मतलब कि 40% चांस उससे रिलेटेड करता है, मतलब बेस्ट पे रहता है। अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद फाजिल। आज आपका क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, तो कैसा गया? पेपर एवरेज गया है, बस थोड़ा डिफिकल्ट था। अब PYQ से अगर देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसके मुकाबले कैसा था? प्रीवियस ईयर का इस साल से थोड़ा इजी था, इस साल का थोड़ा हार्ड है प्रीवियस ईयर से। आप बता सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे? क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस में ज़्यादातर स्कीम्स से रिलेटेड थे एंड मिनिस्ट्रीज से, तो वो थोड़ा हार्ड पड़े। बाकी रीजनिंग जो है वो नॉर्मल थी और इंग्लिश भी नॉर्मल आई थी। आपने इसकी तैयारी कहाँ से की? बाद लूसेंट जीके से थोड़ा टाइम मिला, तो ये जो 1.5 घंटे का टाइम हो गया है अब इस बार से, तो आपको क्या लगता है वो इनफ होता है क्वेश्चन पेपर के लिए? 1.5 घंटा अगर जीके में है, अगर तुम्हें क्वेश्चन आते हैं तो 1.5 घंटा इनफ है, और बाकी अगर वो नहीं आते हैं तो टाइम कम है थोड़ा। अच्छा, ये जो सेट डिवाइडेड होते हैं, आपको क्या लगता है, तीनों सेट्स, आपने अपने फ्रेंड से भी पूछा होगा, तीनों सेट सिमिलर क्वेश्चंस लेके आते हैं या अलग अलग होते हैं? सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन नंबरिंग जो है वो अलग होती है, बाकी क्वेश्चंस सिमिलर होते हैं। आपका नाम? हाँ। आपका नाम? रिजवान। आज आपका किस कोर्स का पेपर था? मेरा BA पॉलिटिकल साइंस। आप था वो टफ था, मॉडरेट था, ईजी था? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल था, करंट अफेयर भी सारे कुछ आसान ही आया था, ज़्यादा बहुत नॉर्मल सा था बिल्कुल भी। अच्छा, तो नॉर्मल सा पेपर था, तो आप बता सकते हैं कि कितने आप मार्क्स ला सकते हैं? मैंने 78 किए हैं, इसमें से लगभग आ सकते हैं 60 से ऊपर ही आ सकते हैं। अच्छा, आपने रिस्क लिया था इन 78 क्वेश्चंस में? कुछ 10 या 12 में लिया था, बाकी तो नॉर्मल सब आते थे मेरे को। आपने इसकी तैयारी कहाँ से की? मैंने यूट्यूब से की थी कुछ, और कुछ जामिया की बुक आती है वो ली थी, और NCERT बुक बस। आपको क्या लगता है बेस्ट क्या है तैयारी करने के लिए? बेस्ट NCERT बुक इनफ है, और इसके अलावा यूट्यूब से कई सारे चैनल है, एक्ट, ये सारे अलग से कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन बस ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, और टाइम टेबल बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है ना, तो टाइम टेबल बनाओगे तो जल्दी पेपर हो जाएगा, और करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए बस। आपके हिसाब से 1.5 घंटा कम था? 1.5 घंटा नहीं, मेरे हिसाब से तो सही था, सारा हो गया। शुभ्रा खान, आज पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, और जैसे कि आप देख रहे हैं दिल्ली में बहुत गर्मी होती है, तो उसका क्या असर पड़ा आपके एग्ज़ाम में? नॉर्मल था, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। आप बता सकते हैं कि कैसा पेपर गया आपका? अब मीडियम गया। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कितना डिफिकल्ट या ईजी था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट था। क्वेश्चंस मेनली कहाँ से आए थे? स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चन थे और करंट अफेयर्स, ये मेन कवरेज था इनका। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपने रिस्क लिया? हाँ। कितना परसेंट आपको लगता है कि आपका आ जाएगा रिस्क लेने के बाद? 85। क्या नाम है आपका? सदफ आरा। कहाँ से आई है? यही जामिया। अभी तैयारी करने के लिए आपने क्या करा था? मैंने तैयारी करने के लिए कोचिंग ली थी, और करंट अफेयर्स ज़्यादा फॉलो करती थी, और जैसे GS का पार्ट हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा था। अभी तो लोगों का कहना है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, पॉलिटी से कम क्वेश्चन पूछे गए। जी जी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एज़ कम्पेरिजन जो हमारे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उससे ज़्यादा टफ लेवल किया गया। टफ लेवल किया? कितने क्वेश्चन सॉल्व करा आपने? एटलीस्ट मैंने 75 तो करा है। 75 करा। वो कोई ऐसा पोर्शन आप बताओ जो आपको लगा कि टफ है? मुझे रीजनिंग का लगा टफ थोड़ा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व करा था? जी जी, पूरा करा था मैंने। कितने सालों का? एटलीस्ट 4 से 7 ईयर्स तक मैंने कर लिया था। अच्छा, 7 ईयर्स का PYQ आपने करा, वो कितना हेल्पफुल रहा एग्जाम हॉल में? बस 2-3 क्वेश्चंस मुझे लगे थे पूछा गया, वरना ज़्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नहीं बने थे? नहीं नहीं, एज कम्पेरिजन मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं पूछा था गया था, जैसे लाइक राज्यसभा से कितने मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, तो ये सब क्वेश्चन था, और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे गवर्नमेंट के हेड कौन है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि वो लोग करंट अफेयर ज़्यादा फॉलो करें, जैसे जैसे योजनाएँ वगैरह होती है, स्कीम्स वगैरह पूछे गए हैं जमा के, वो बहुत ज़्यादा पूछे गए और अलग लेवल पे पूछे गए थे, मतलब वो रिलेशन रिलेटेड होता है, जीके जीएस से रिलेट करके पूछ देते हैं। हाँ, और जनरल अवेयरनेस ईजी था, और मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ईजी भी थे और बहुत सारे क्वेश्चन के लेवल टफ भी थे, लाइक मैथ्स ईजी था। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ आपका। नाम सुहैल अख्तर। किस चीज़ का पेपर देखा रहे आप? बीए पॉलिटिकल साइंस। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसका बेसिकली क्या एरिया होता है? जी बेसिकली मैन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछा जाता है और पॉलिटिकल से संबंधित, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस जो होते हैं। अच्छा, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए अभी? करंट अफेयर्स के शायद 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से? यस। अच्छा, रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन था वो टफ था या इजी था आपके हिसाब से? नहीं, रीजनिंग टफ थी, टफ थी। आपने लास्ट ईयर कितने सालों का क्वेश्चन पेपर करा था? मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है। PYQ, यानी पुराने क्वेश्चन पेपर तो आपने सॉल्व करा होगा? जी पुराने की है, लेकिन इस बार नया किया है और मुझे यकीन है कि मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व करा है? मैं 82 क्वेश्चन सॉल्व करके। अच्छा, 82 करा है आपने, उसमें से आपको लग रहा है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, उन्हें क्या बताना? मैसेज ये देना चाहूँगा, सबसे पहले आप काम से हार जाएं लेकिन खुद से ना हारें, और एक चीज़ याद रखें, मेरे जुनून का नतीजा यहीं ज़रूर निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। आप हिम्मत और हौसला रखें, सब बेहतर होएगा। चलिए, मैं दुआ करता हूँ और आपका जो हिम्मत हौसला है वो बना रहे और आपका सिलेक्शन जाए। शुक्रिया। कहाँ से आए आप? झारखंड रांची। झारखंड रांची से आ रहे हैं। अभी किस चीज़ का पेपर देके आ रहे हैं आप? अभी पॉलिटिकल साइंस और बैचलर ऑफ आर्ट्स। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मतलब क्वेश्चन मतलब मोस्टली मतलब जनरल अवेयरनेस सोशल अवेयरनेस से करंट अफेयर रिसेंटली का ज़्यादा पूछा गया था। अच्छा, अभी कोई ऐसा एरिया बताओ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया हो, एकदम जमा के पूछा गया? करंट अफेयर से था। करंट अफेयर से था। हाँ। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस वाला जो क्वेश्चन था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? लगभग 5-6 क्वेश्चन। 5 ही क्वेश्चन से पूछे थे? पाँच। अच्छा, हिस्ट्री से कितने पूछे रहे होंगे? हिस्ट्री से भी वही 2-4, मतलब हिस्ट्री से भी 5-6 मतलब थे। जियोग्राफी से? जियोग्राफी से भी हाँ उसी तरह 5-6 थे। अच्छा, रीजनिंग और इंग्लिश वाला क्वेश्चन? रीजनिंग और इंग्लिश ठीक था। इंग्लिश में वही। आपने तैयारी करने के लिए क्या कुछ करा था? आपका वीडियो कुछ देखे वो देखे थे, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर कवर कर रहे थे वैसे ही मोबाइल। कितने क्वेश्चन सॉल्व करा था आपने अभी? 60 के आसपास। 60 के आसपास करा था। लास्ट ईयर के कटअप के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाएगा आपका? लास्ट ईयर का कटअप अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, हाई था। जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहा है उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? उनके लिए मतलब करंट अफेयर जितना डीपली पढ़ सकते उतना पढ़े। अच्छा, अभी मैं दुआ कर। आर्यन खान। कहाँ से आए? आई एम फ्रॉम कश्मीर। अभी किस चीज़ का पेपर था? बी ए पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन एरिया क्या होता है इसका, कहाँ से पूछे जाते हैं? एक्चुअली जो आज का पेपर आया था तो कंटेम्प्रेरी रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिटिकल साइंस का टच हमें दिखा ही नहीं, तो जनरल नॉलेज का टच दिखा, वो भी कंटेम्प्रेरी के साथ। तो पहले डिफ्यूज़ड था, बस 3-4 क्वेश्चन, बाकी लैग था पॉलिटिकल साइंस में। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आए थे, वो योजना स्कीम्स के बारे में बताया गया था, और इंग्लिश भी ठीक था, ठीक पेपर, ऑलमोस्ट पेपर ठीक ही था। आपने तैयारी करने के लिए क्या करा था, किस चीज़ को फॉलो करा? एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्जाम, तो मैंने कोई कंटेंट यूज़ नहीं किया, उसी के बेस पे मैंने प्रिपरेशन। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तक के नहीं? हाँ, वो मैंने उनकी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करा था, वो क्वेश्चन जो रिलेटेड होते थे वो भी करा था। कितने सालों का? 5 सालों का। 5 साल का क्वेश्चन पेपर कितना हेल्पफुल रहा एग्जाम? नहीं रहा, क्योंकि डिफरेंट था वो GK जनरल नॉलेज, वो कंटेंट सब कुछ चेंज, बस 3-1 आर्टिकल आया था वाइस प्रेसिडेंट को और कुछ नहीं दिखा। अच्छा, नेक्स्ट ईयर जो लोग बीए प्रोग्राम एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा, क्या संदेश देंगे? मैं तो पहले उनको ये नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनको देना ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो ना एज अ होल प्रिपेयर करे, वो जनरल नॉलेज भी पढ़े, क्योंकि एग्जाम एक ही एग्जाम नहीं होता, एरिया वास्ट होता है एकदम, उसी हिसाब से आप। हाँ, और पहले तो उनको GK पढ़ना है, मैगजीन्स आज आते हैं, मैगजीन्स जैसे हिंदुस्तान टाइम्स आते हैं कुछ आता, तो वो कंटिन्यूसली पढ़ा करे, तो सीट्स भी बहुत ज़्यादा कम है, 50 सीट्स होती है, और ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग देयर, तो अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ा। 2000 नहीं, 10,000 प्लस फॉर्म्स आते हैं। हाँ, वो भी। हाँ, चलिए मैं दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन। हाँ, ओके। आपका सॉरी, अभी किस चीज़ का पेपर देखा रहे? अभी तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर। अभी पॉलिटिकल साइंस का, दोनों पॉलिटिकल साइंस। सेम सेम। अरे, इसका क्वेश्चन का जो एरिया होता है इसमें लोगों का मानना है कि पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसा कुछ देखने को मिला आपको? पर इस बार बहुत कम था, मतलब इस बार जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इससे क्वेश्चन ज़्यादा थे, पॉलिटिकल साइंस से बहुत कम क्वेश्चन। अच्छा, आपको क्या लगता है कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? जनरल अवेयरनेस पार्ट जो था वो थोड़ा हार्ड था इस बार, मुझे लगा
और पॉलिटिकल में साइंस, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन थे, पॉलिटिकल हिस्ट्री वाले क्वेश्चन थे और प्रेजेंट के भी क्वेश्चन थे, जैसे प्रधानमंत्री वो रिलेशन मेथड लग रहा था इसमें। जी जी, इसमें मुझे मेरे हिसाब से जो देखा जाए कि इंग्लिश पार्ट काफ़ी ईजी था, जितना एक्सपेक्टेड किया था उससे ईजी था इंग्लिश पार्ट। रीजनिंग पार्ट मुझे रीजनिंग थोड़ी ईजी लगती है, इसलिए रीजनिंग भी मुझे कोई ऐसी लगी नहीं। बाकी बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि रीजनिंग पार्ट हार्ड रहा, लेकिन मेरे लिए रीजनिंग और इंग्लिश तो मेरे लिए ईजी रहा। जनरल अवेयरनेस का पार्ट, हाँ वो कह सकते हैं कि थोड़ा हार्ड था, टिपिकल। आपके लिए कौन सा पार्ट ईजी था? जैसे जनरल अवेयरनेस आसान था और जो सोशल साइंस था, मतलब जो सोशल वाला था वो भी आसान था। आपके लिए टफ कौन था? मेरे लिए जनरल अवेयरनेस था, क्योंकि मैंने सही बताऊं तो मैंने ढिलाई करी उसमें, जनरल अवेयरनेस में मैंने उसमें ध्यान इतना नहीं दिया, ऊपर ऊपर से बढ़ा, काफ़ी क्वेश्चन मेरे दिमाग में हिट कर रहे थे कि ये है शायद ये है, फिर उसमें मैं थोड़ा सा मैं कहा यार कौन सा था कुछ कंफ्यूज। अभी आप लोगों को खुद ये एहसास हो गया होगा जिस तरह आपने कहा कि जनरल अवेयरनेस को आपने स्किप करा था और आपने बताया कि रीजनिंग वगैरह जो था टफ था, तो उस हिसाब से आप क्या रीजनिंग टफ नहीं था, रीजनिंग जो था वो नॉर्मल था, अगर आप पढ़े हैं तो आराम से। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उन्हें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? उनको करंट अफेयर पर फोकस करना चाहिए, जो स्कीम्स गवर्नमेंट के आ रही है वो देखना चाहिए, जो बुक्स के राइटर हैं वो देखना चाहिए, और जो भी जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी जो टेंथ से है, 10th 11th 12th, उसके जो मतलब बुक्स में एनसीईआरटी के कुछ बुक्स है और जो लूसेंट्स वगैरह है आपको वो देखना चाहिए। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने चाहिए, क्योंकि मैंने देखा, मैंने पढ़े थे, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन काफ़ी तो नहीं कह सकता। और बाकी जो है रीजनिंग रेगुलर करनी चाहिए, रीजनिंग अगर छोड़ोगे तो उसमें हार्ड पड़ेगा, और ये जीके पे मैंने जो ढिलाई करी वो नहीं करनी चाहिए, जीके भी करंट वाली पिछली वाली थोड़ी बहुत ही पढ़नी चाहिए। आपके हिसाब से किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? हमारे हिसाब से करंट अफेयर्स, जैसे भाई ने बोला, करंट अफेयर्स जामिया में अपडेटेड करंट अफेयर्स ज़्यादातर आता है, और रीजनिंग 25 क्वेश्चन का आता है, 25 नंबर का, और 25 नंबर का एंटोनिम साइनोनिम्स इंग्लिश के पार्ट में से, तो हमें सब चीज़ का फोकस, सब चीज़ आप पढ़नी चाहिए। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सर। जी जी।